कि हमारे पास छोले कुलचे भी आ गए हैं और छोले भटूरे भी आ गए हैं, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम ये है कि इसके छोले अलग है, इसके छोले अलग है। पहले ये पूछेंगे भाई दोनों के छोले में डिफरेंस क्या है, दोनों छोले में डिफरेंस क्या है, ये पहले आप खाओ फिर बताएंगे। हेलो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल, दिस इज अ फ्रेंड सुमित, और आज मैं आपको लेके आया, सॉरी मैं नहीं, दूसरा मैं लेके आई है तेरी राजपूत। यहाँ पे ये क्यों लेके आई, अब क्या खिलाने वाली है, यही चलती क्या खिलाने वाली, पनीर कुलचा। पनीर कुलचा, चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं पनीर कुलचा कैसा है। ठीक है चलो पहले खाते हैं फिर देखते हैं, खाके हम देखेंगे फिर जाते हैं। अरे क्या पिन कर रहे हो, क्या पिन कर रहे हो यार, धुआं भी नहीं निकला उसमें से। पिन ना ऐसे होता है, जान से रुको, ऐसा होता है, ऐसा करना होता है, हाँ ये ऐसा धुआं निकलना चाहिए। मेरा नाम विकी राजपूत, मैं मेरे फादर मेरे बड़े भाई साहब मनीष राजपूत, हम तीनों एक साथ हैं। एक ही होटल का नाम जैसे तेरी राजपूत है, तो इसका मीनिंग कैसा निकलता है? इसका मीनिंग ये है कि जब इनिशियली हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने प्रकाश किया था, तो शुरुआत में हमने सोचा क्या नाम होना है, जो पहला वाक्य आया था तेरी, और सब कुछ तेरा तेरा, वाहिगुरु सब कुछ तेरा तेरा, तो उसके वजह से हमने लिखा है। ओके सही, हमारे होटल में सभी चीज़ें फेमस हैं, बट आपको कुलचे छोले हो गए, छोले भटूरे, समोसे, थाली भी बहुत फेमस है, जिसमें मेरा फेवरेट दाल राइस है। दाल राइस क्यों, ऐसा क्या है खास में दाल राइस आपको सबसे ज़्यादा फेमस लग रहा है? जैसे घर में बनती है वैसे ही दाल राइस, अच्छा घर का फूड है, होमली। ओके, और आप जैसे मैंने अभी नेट पे सर्च करके आया था मैं, तो होटल के नाम से वैसे जैसे तेरी राजपूत है उतना नहीं है, कुछ डेरी वगैरह भी है, तो ये क्या सीन है? इनिशियली मेरे ग्रैंडफादर आए थे पाकिस्तान से, तो इन 1947 सो वी स्टार्टेड द बिजनेस, फर्स्ट डेरी से शुरुआत है हमारी, फिर उसके बाद 30 साल हो गए हमारे को ढाबे शुरू किया हुआ है, जिसमें ढाबा भी है, स्वीट भी है, डेरी भी है, और 3-in-1 है, लोगों को जो चाहिए वो खाते हैं। तो अभी स्वीट्स में क्या फेमस होता है आपका? स्वीट्स में हमारे रसमलाई है, मलाई बर्फी सबसे फेमस है हमारी, वो खाते रहोगे आप खाओगे, वो तो बिल्कुल ट्राई करेंगे फिर। और कोई स्पेशल डिश जो आप बताना चाहोगे ये मुझे खानी ही चाहिए? कुलचा खाओ, पनीर कुलचा। ओके, आप खाओगे तो फिर पता लगेगा। स्वीटों को खाने की कितनी जल्दी बढ़ी है, मैंने
होता है कि आप लोग भी यहाँ पे आना, डेली टेस्टी खाना है, घर जैसा स्वास्थ्य होता है ना, मिल जाएगा आपको यहाँ पे सच। हम कर बनाते हैं साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड टू इंडिया। बाय।